और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं यहाँ पर संतावना दिवस में। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि अभी सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए आपकी। राजस्व मंत्री भाई हरीश चौधरी जी, राज्य मंत्री भाई राजेंद्र यादव जी, ए सी एस होम राजीव स्वरूप जी, डी जी होमगार्ड राजीव दासोद जी, यहाँ उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि विधायक रवीन खान जी और गंगा देवी जी, मूलचंद मीणा जी, एनआरके रेड्डी साहब, डी जी जेल एडीजी अमृत कल जी, राजीव शर्मा जी, संजय अग्रवाल जी, बलभद्र सिंह जी राठौर, के एस बेन साहब, जसवंत संपत राम जी, जिला कलेक्टर जोगाराम जी, अन्य उपस्थित अधिकारी, गृह रक्षा विभाग के तमाम अधिकारीगण और स्वयंसेवकगण, भाई और बहन, मुझे जितनी खुशी आपको हो रही है उससे अधिक खुशी मुझे हो रही है। 57 साल का अर्सा मामूली नहीं होता है। स्थापना दिवस होमगार्ड का, जिसका महत्व किसी भी दृष्टि से कम नहीं आता। जो जिम्मेवारी आपको दी जाती है उसको निभाने में आप लोग कमी नहीं रखते हैं। आपका भी स्पष्ट वास्तव में मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसके लिए तमाम आपके डी जी साहब को, तमाम प्रशिक्षण देने वाले साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। देश की आंतरिक सुरक्षा में होमगार्ड का अपना एक महत्व रहता है। दिन रात आप मेहनत करते हैं, पुलिस की सहायता करना हो, प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, इसका अपना एक अलग महत्व है। और विभिन्न सचिवालय हो, नगर निगम, JDA, हाई कोर्ट, RBI, रिजर्व बैंक, बिजली विभाग, जहाँ जिम्मेवारी आपको सौंपी जाती है आप उसको पूरी निष्ठा से, प्रतिबद्धता से निभाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। स्वयं सेवक का एक अलग मैसेज होता है, क्योंकि स्वयं सेवक होता है। और उसी रूप में कानून व्यवस्था की स्थिति की बात हो तो उसमें भी जो भूमिका आपको दी जाती है पुलिस के साथ में आप निभाते हैं। और सरकार की भी ये प्रतिबद्धता है कि इस प्रकार से राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, अपराधों पर नियंत्रण रहे, उसमें भी आपकी भूमिका अलग तरह की होती है। संपत्ति की सुरक्षा करने की बात हो तो आप पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। साथ में भी जब कभी आपको जिम्मेदारी दी जाए अभी मुझे अवगत कराया गया कि आपको विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे तो राज्य के बाद भी दिल्ली में, हरियाणा में, तेलंगाना में, उत्तराखंड राज्यों में आपको भेजा गया, कि आपकी ड्यूटी बहुत ही सराहनीय रही। सराहनीय रहना मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि संबंधित राज्यों ने कहा है कि आपकी ड्यूटी बहुत सराहनीय रही। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आपने अपनी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता से एक सुदृढ़ बल के रूप में अपनी कसर बनाई।
झारखंड सरकार होमगार्ड को संसाधन संपन्न सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्प है। आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार द्वारा लगभग एक वर्ष की अवधि में होमगार्ड विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसका जिक्र अभी मेरे पूर्व में किया है। पर जिस रूप में गठन हुआ है होमगार्ड का, उसका अपना भवन नहीं बनना एक आश्चर्य की बात रही। हम सबकी उसमें गलती रही होगी, सरकारें हम सबकी आई है और गई है। पर मेरी खुशी की निदेशालय के लिए हमारी सरकार ने विजयनगर में जो भूमि दी है और जो धनराशि बजट सामने 10 करोड़ का, मैं चाहूँगा वो भवन जो है इस साल लगभग 4 करोड़ में रखेंगे प्रावधान के रूप में, जल्दी भवन खड़ा हो, जिससे कि निदेशालय बनने के बाद में आपकी कई तरह की समस्याएं स्वतः हल हो जाएगी। क्योंकि भर्ती आपकी हो रही है लंबे अरसे बाद में, करीब 2500 स्वयं सेवकों की, 200 के करीब उसमें अधिकारी होंगे। अमरे बताया गया कि अभी आपके अधिकारियों की संख्या कम होती जा रही है, मामूली रही है, बहुत कम रही है। ये भर्ती होगी, नियम कायदे बन जाएंगे, जिससे कि उसके बाद में आप, अभी बताया गया ऑनलाइन सब प्रक्रिया पूरी होगी और भर्ती होगी, उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके काम करने का जो समर्पण भाव है, प्रतिबद्धता है, और मजबूत होगी। जो आपकी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जिसके बारे में आप कई बार मिलते रहते हैं हम लोगों से भी, वो दूर होगी। और आपके जो वेतन भत्ते हैं उसमें काफ़ी वृद्धि हमने करने का प्रयास किया है, आगे भी कोई कमी नहीं रखेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस प्रकार सेवा नियम बन जाएंगे, निदेशालय बन जाएगा, उसके बाद में आप नए आत्मविश्वास के साथ में काम कर पाएंगे। हमारी सरकार की मंशा है कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन दे। हम चाहेंगे कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस रूप में हम लोग काम करना चाहते हैं गुड गवर्नेंस के लिए, उसमें कानून व्यवस्था भी आती है, सुरक्षा भी आती है, उसमें आपकी भूमिका बनी रहे। और जिस रूप में पुलिस फोर्स है उसका अपना बहुत बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं, कानून व्यवस्था की रक्षा करने के अंदर, बनाए रखने के अंदर, अनुसंधान के अंदर, उसी प्रकार आपका जो अलग में पुलिस की तरह आपकी रेगुलर भर्ती नहीं है, पर इतना मैं कह सकता हूँ हमारे दिलो दिमाग के अंदर पुलिस की तरह ही आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। और यही बात कहता हुआ मैं, क्योंकि मैं पहली बार, मुझे बताया गया कि कोई मुख्य पहली बार स्थापना दिवस पे अवसर आए हैं, तो मुझे खुशी है कि मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं आप जैसी समर्पित फोर्स जो लगभग 30,000 की संख्या बल पर है, उनकी परेड की सलामी लेने के लिए और आपकी भावनाओं से अवगत होने के लिए मुझे आपके शानदार प्रांगण में आने का सौभाग्य मिला। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता रहेगी। ये बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
तो राजस्थान होमगार्ड का 57वां स्थापना दिवस और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। कि पुलिस बल के समान उन्होंने कहा कि मुझे आपसे ज्यादा खुशी हो रही है, 57वां वर्ष का रास्ता मामूली नहीं होता। इस मौके पर उन्होंने सभी को बधाई दी और कहा कि लंबे समय से आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने मार्च पास्ट की भी जमकर तारीफ की और कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा में आपका बड़ा महत्व है, बड़ा योगदान है। पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चल रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। सरकार की प्रतिबद्धता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और उसमें आपका साथ हमें लगातार मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान तमाम नेता भी वहां मौजूद रहे। होमगार्ड डीजी राजीव दासोद भी पहुंचे थे और गृह राज्य मंत्री भजन लाल जाटव भी यहां इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार होमगार्ड को संपन्न करने के लिए प्रयासरत है और सुदृढ़ीकरण के लिए कई निर्णय हमारी सरकार ने इसको लेकर लिए भी हैं। आज मुझे खुशी है कि निदेशालय के लिए विद्याधर नगर में जमीन हमने दी है। हम चाहते हैं कि इस जमीन पर जल्द ही भवन बने। अभी आपके अधिकारियों की संख्या कम है और इसलिए अब भर्ती भी खोली जाएगी। आपकी रोजमर्रा की समस्या दूर करने का प्रयास भी होगा और अभी तक जो जो समस्याएं आप लोगों के सामने आ रही थी, सरकार की कोशिश रहेगी कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस रूप में हम काम करना चाहते हैं उसमें आपकी भूमिका बनी रहे, जिस रूप में पुलिस फोर्स है उसी तरह आपका भी महत्व बना रहे। हमारे दिलो दिमाग में पुलिस की तरह आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी कभी भी। और आपकी भावनाओं से अवगत होने के लिए मुझे यहां आने का मौका मिला है। और आप उत्कृष्ट कार्य करने वाले होमगार्ड जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये जयपुर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंत्री लालचंद कटारिया यहां पर मौजूद हैं। होमगार्ड डीजी राजीव दासौत भी पहुंचे हुए हैं। गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव भी अध्यक्षता कर रहे हैं। दरअसल 57वां होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। फतेहपुरा बेगर संस्थान में इस समारोह का आयोजन हो रहा है और सीएम अशोक गहलोत समारोह के मुख्य अतिथि हैं। तो एमएलए रफीक खान, गंगा देवी भी यहां पर मौजूद हैं। इससे पहले मंत्री भजन लाल जाटव का संबोधन भी हुआ और उन्होंने कहा कि बजट अभाव के कारण स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है और जल्द ही 2500 स्वयं सेवक का नामांकन होगा। भर्ती भी जल्द खोल दी जाएंगी। डिप्टी कमांडेंट की डीपीसी भी जल्द होगी और हमने गृह रक्षा विभाग को पुलिस आधुनिकीकरण से जोड़ दिया है। पिछली सरकार ने गृह रक्षा विभाग को अलग कर दिया था और मानदेय भुगतान की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन होगी। पिछली सरकार में लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया सुस्त थी और हमारी सरकार ने इस प्रक्रिया में भी तेजी लाई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड स्थापना दिवस पर सभी को बधाई दी और कहा कि लंबे वक्त से आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं और सरकार की भी कोशिश है कि जो दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं उनको जल्द से जल्द दूर कर दिया जाए। और अब उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। अपने गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र कोटा और बूंदी में पदस्थापन के दौरान उप केंद्र रामगंज मंडी और लाखेरी में कार्यालय भवन के लिए भूमि आवंटन में विशेष भूमिका निभाई श्री राम सिंह मीणा। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि
आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे और उसमें आपका साथ हमें लगातार मिल रहा है। जीवराज सिंह, प्लाटून कमांडर, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा। आपके द्वारा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 12 वर्षों से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वेपन ड्रिल, पीटी, फील्ड क्राफ्ट आदि विषयों में स्टाफ और स्वयंसेवकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के लिए आप एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हमेशा एक लीडर की भूमिका निभाते हैं और उन्हें हमेशा कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि आपकी विशेषता है। श्री जीवराज सिंह, तो ये तमाम जवान जिनको सम्मानित किया जा रहा है, इस खास मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं। इसके साथ ही होमगार्ड डीजी राजीव दासौत भी यहाँ मौजूद हैं। गृह रक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रोजमर्रा की समस्याओं को जल्द ही दूर करने की कोशिश की जाएगी, वेतन वृद्धि का ध्यान भी रखा जाएगा और सेवा नियम बनाए जाएंगे। सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस रूप में हम काम करना चाहते हैं, उसमें आपकी भी भूमिका बनी रहे, जिस रूप में पुलिस फोर्स है उसी तरह आपका भी महत्व बना रहे। तो एक एक करके ये तमाम जवान पहुंचे हुए हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है, उनके बेहतर काम करने को लेकर। तो ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं और एक एक करके अलग अलग इलाकों से ये जो जवान हैं यहाँ जयपुर में पहुंचे हुए हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनको बधाई दी गई स्थापना दिवस की, साथ ही साथ उनके काम की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सूझबूझ और त्वरित निर्णय और क्षमता का परिचय देते हुए युवती के जीवन की रक्षा की, जो कि सराहनीय दृष्टिकोण से अत्यंत सराहनीय है। तो ये तीन तस्वीरें आपके सामने, परेड की सलामी ली गई, उसके बाद अब उत्कृष्ट काम करने वाले जवानों को सम्मानित किया जा रहा है और मार्च पास्ट जो इन जवानों की तरफ से किया गया उसकी भी तारीफ की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने।